आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पिछले 5 सालों में अपने पूर्णकालिक सदस्यों को 4,000 करोड़ रुपए ज्यादा की अनुदान राशि दी, लेकिन राजस्थान क्रिकेट संघ को विवादों के चलते महज 77 करोड़ 66 लाख रुपए ही मिले। पिछले 2 साल में आरसीए को एक भी पैसा नहीं मिला है। हालात यह है कि आरसीए अब कंगाली की कगार पर पहुंच चुका है। फर्स्ट इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बीसीसीआई ने कर दिए राज्य संघों के वारे न्यारे। बीसीसीआई ने 5 साल में दिए 4,557 करोड़ रुपए। साल 2012-13 से 2016-17 की सूची जारी। महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा 259.74 करोड़ रुपए। कर्नाटक संघ को दिए 251.93 करोड़ रुपए। मुंबई संघ को 223.33 करोड़ रुपए। हिमाचल को 222 करोड़ मिले बीसीसीआई से। बीसीसीआई ने 26 पूर्णकालिक सदस्यों और 11 एफिलेटेड को पिछले 5 साल में दी राशि की सूची जारी कर दी है। पूर्णकालिक सदस्यों को 4,242.64 करोड़ रुपए दिए हैं। वहीं एफिलेटेड सदस्यों को 216 करोड़ रुपए पिछले 5 साल में दिए। खास बात यह है कि महाराष्ट्र के 3 क्रिकेट संघ, महाराष्ट्र क्रिकेट संघ, मुंबई क्रिकेट संघ और विदर्भ को 703 करोड़ रुपए दिए गए। वहीं गुजरात के 3 संघों, गुजरात, सौराष्ट्र और वडोदरा को 512 करोड़ रुपए दिए गए। यानी 2 राज्यों को बीसीसीआई ने कुल 1216 करोड़ रुपए दिए। पूर्णकालिक सदस्यों में सर्विसेज स्पोर्ट्स बोर्ड को 5 साल में सबसे कम 6,55,00,000 रुपए मिले। जम्मू कश्मीर को 14,87,00,000 रुपए दिए गए। छत्तीसगढ़ को 51 करोड़ रुपए मिले। एफिलेटेड सदस्यों में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और नेशनल क्रिकेट क्लब को 5 साल में 1 पैसा भी नहीं मिला। अरुणाचल और बिहार को 50-50 लाख रुपए दिए गए। इन दोनों को पिछले 4 साल से 1 भी पैसा नहीं मिला। हालांकि असम को सबसे ज्यादा करीब 200 करोड़ रुपए मिले। 2017-18 में सबसे ज्यादा पैसा मिला। बीसीसीआई ने 1,295 करोड़ रुपए दिए। 2014-15 में सबसे कम 632 करोड़ दिए। 2013-14 में 1142 करोड़ रुपए दिए गए थे। 1 साल में अनुदान में गिरावट आधी हुई। अब बात करते हैं विवादों के राजस्थान क्रिकेट संघ की। 2 साल से तो आरसीए को 1 भी पैसा नहीं मिल रहा। हालात ये हैं कि आरसीए के खाते सीज हैं, ऑफिस पर ताले लगे हैं, निलंबन का फैसला भी अभी बीसीसीआई ने नहीं किया है। ऐसे में आरसीए को बीसीसीआई से मिलने वाला अनुदान बंद हो गया है। हालांकि कोर्ट के आदेश के कारण आईपीएल का आयोजन जरूर बीसीसीआई ने करवाया था, लेकिन उसके लिए बीसीसीआई ने अलग से खाता खुलवाया था। आरसीए को उसमें से कुछ भी नहीं मिला। आरसीए को 3 साल में 77.66 करोड़ रुपए मिले। बीसीसीआई ने 2012-13 से 2014-15 तक राशि दी। आरसीए को 2012-13 में 36.50 करोड़ मिले। 2013-14 में 40.61 करोड़ रुपए दिए गए। 2014-15 में 55 लाख रुपए मिले। 2015-16 और 2016-17 में 1 रुपए भी नहीं मिला और इस साल भी बीसीसीआई से कोई पैसा नहीं मिला। बहरहाल बीसीसीआई ने राज्य संघों को 5 साल में दिए गए पैसे को तो उजागर कर दिया है, लेकिन ये खुलासा नहीं किया कि बीसीसीआई के पदाधिकारियों पर 5 साल में कितना खर्च हुआ। वहीं कानून मामलों पर बीसीसीआई पदाधिकारियों और कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने कितना पैसा खर्च किया, इसकी जानकारी भी नहीं दी गई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कई राज्य संघों के वारे न्यारे कर दिए हैं, लेकिन राजस्थान क्रिकेट संघ कंगाली के कगार पर पहुंच गया है। अब राजस्थान क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों को विवाद सुलझाना होगा, तभी राजस्थान में फिर से क्रिकेट के विकास की गंगा बह सकेगी। पिछले 2 साल से राजस्थान को बीसीसीआई से कोई पैसा नहीं मिला है और स्थिति ऐसी ही रही तो आगे भी बीसीसीआई से किसी तरह की सहायता की उम्मीद नहीं की जा सकती। कैमरामैन विनोद गोस्वामी के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।